मुश्किल नहीं जितना हम उसे पेचीदा बना देते हैं। जिंदगी इतनी भी गमगीन नहीं जितना कि हम उसे संजीदा बना देते हैं। मैंने कहीं पढ़ा था बिकम पेशेंट बट नॉट अ पेशेंट, चॉइस अपने हाथों में होती है दोस्त। सो स्टॉप बीइंग सो सीरियस गाइस और अपनी जिंदगी को रीबूट करो विद द 3 मैजिकल वर्ड्स, टेक इट इजी। मैं हूं चारू, आपकी अर्ली मॉर्निंग दोस्त, एंड आई प्रॉमिस यू योर मॉर्निंग्स आर नेवर गोइंग टू बी द सेम अगेन। हर सुबह पॉजिटिविटी का सैलाब चारू इन टेक इट इजी, टेक इट इजी ओनली ऑन एफएम 107। अस्सलाम वालेकुम और नमस्कार, इट्स अ थर्सडे मॉर्निंग और जैसे मैं हमेशा ही कहती हूँ थर्सडे स्पेशल होता है, इसलिए जो आवाज में खाना गया ना वो भी स्पेशल होती है। वीकेंड आ चुका है और वीकेंड के चलते फ्राइडे यानी कल के रोज, तो मैंने सोचा चलो जी कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें उनकी फिल्मों के, इसके अलावा अभिषेक बच्चन के बारे में कुछ ऐसा जो शायद आपने पहले ना सुना हो, और हाँ बहुत सारी ऐसी यहाँ की बातें वहाँ की बातें और सारे जहाँ की बातों के साथ साथ आज हमारे साथ होने वाले हैं हमारे माइंड एक्सपर्ट उमेश फेरवानी। और आज एक ऐसे सवाल का जवाब आपको मिलेगा जो शायद आपसे रिलेटेड हो या आपके किसी अपने से रिलेटेड हो, तो सुनते रहिए एफएम 107 पर, शुरू हो चुका है चारू के साथ टेक इट इजी। सेवन पर आप सुन रहे हैं चारू के साथ टेक ओहो भूल गए, शिल्पा शेट्टी एक लॉयर अपॉइंट करती है अपने लिए, एडवोकेट तरुण आनंद। अभिषेक बच्चन ने इस फिल्म में यही रोल अदा किया था यानी एडवोकेट तरुण आनंद का। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था रेवती ने और रेवती भी एक डॉक्टर का रोल करती है इस पर्टिकुलर फिल्म में। इट वॉज अ ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल फिल्म और ये गाना खासा अच्छा है। जिस एक्टर ने पूरे 21 साल पहले सन 2000 में जेपी दत्ता की रेफ्यूजी से अपनी एंट्री की थी, लेकिन क्या आपको ये पता था कि उनके बर्थ सर्टिफिकेट में उनका नाम अभिषेक बच्चन नहीं बल्कि बाबा बच्चन है। और हालांकि उनकी पहली फिल्म रेफ्यूजी कमर्शियली एक अनसक्सेसफुल वेंचर मानी गई थी, लेकिन फिर भी सन 2000 की 5th हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म थी। तो मतलब टॉप 5 फिल्मों में जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर बहुत पैसा कमाया उनमें से 5th नंबर पे थी सन 2000 में। प्रियंका चोपड़ा का नाम अगर आप सोच रहे होंगे कि पीगी चॉप्स किसने रखा, तो ये अभिषेक बच्चन ही है। कहते हैं कि अमिताभ बच्चन ने जो गाना खाई के पान बनारस वाला डॉन का वो जो डांस चेक किया था ना, वो अभिषेक बच्चन एक फन डांस किया करते थे बच्चे जब वो थे, तो छोटे अभिषेक का ये डांस स्टेप देखकर अमिताभ बच्चन ने उसे कॉपी किया और खाई के पान बनारस वाला में ये स्टेप जो था वो आप देखेंगे। अच्छा, बहुत सारे स्टार्स की एक्टर्स और एक्ट्रेसेस की वियर्ड हैबिट्स होती है। अभिषेक बच्चन की आदतों में से एक है कि वो अपने बोर्डिंग पासेस जहां जहां जाते हैं तो अपने बोर्डिंग पासेस कलेक्ट करते हैं, उसे फेंकते बहुत ही रेयरली हैं। एफएम 107 पर अभिषेक बच्चन की कुछ बहुत अमेजिंग सी बातें आपको सुनाऊंगी और अभिषेक बच्चन स्पेशल में आप एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक गाने ऐसे सुनेंगे जो कि सारी के सारे अभिषेक बच्चन की फिल्म से हैं। कमिंग अप कजरारे, एक बहुत ही पॉपुलर गाना, और उसके बाद रन, ये फिल्म जिसमें अभिषेक थे और साथ में थी उनके भूमिका चावला। उसके बैक टू बैक दो ब्यूटीफुल गाने, बस सुनते रहिए एफएम 107 पर चारू के साथ टेक इट इजी। के दो बैक टू बैक गाने आपने सुने एफएम 107 पर टेक इट इजी शो में। डायरेक्टर जीवा की, जिन्होंने तमिल एक फिल्म डायरेक्ट कर चुके थे, वो रन उनकी पहली हिंदी फिल्म थी। बोनी कपूर की काफी फिल्में एक के बाद एक के बाद एक फ्लॉप हुई थी, ये उस दौरान की बात है। खुशी, उसके बाद शक्ति, उसके बाद कोई मेरे दिल से पूछे और फिर रन, ऑल ऑफ दीज बॉक्स ऑफिस डिजास्टर्स रहे। और आज क्योंकि अभिषेक बच्चन स्पेशल है इसलिए उनकी सारी, ये नहीं कह सकते उनकी सारी फिल्मों के, बल्कि सारा शो उनकी फिल्मों के गानों से भरा हुआ है। हाँ, दैट इज ग्रामेटिकली करेक्ट। बाय द वे, भूमिका चावला जो इस फिल्म में उनके साथ हीरोइन थी, वो टॉफी से लेकर मूवी तक का उन्होंने सफर तय किया। अब आप पूछेंगे टॉफी ये क्या है भाई, इसलिए क्योंकि भूमिका चावला ने एक एड किया था स्विट्जरलैंड में टॉफी ब्रांड के लिए प्रियदर्शन के साथ। वहां से उन्होंने एंट्री मारी एक युवा कुडू करके एक फिल्म है, एक स्क्रीन टेस्ट दिया मुंबई में। जब दोनों चीजों के लिए स्क्रीन टेस्ट हुए थे तो वो मिस कर चुकी थी, लेकिन हैदराबाद जब वो पहुंची फॉर्चुनेटली वहां पे स्क्रीन टेस्ट देकर वो सिलेक्ट हो गई। तो यूं कहा जा सकता है कि टॉफी के एड से भूमिका ने एंट्री ली और उसके बाद फिल्मों तक का सफर। जब फिल्मी दुनिया पे अपना लक ट्राई कर रही थी वो, तो उन्होंने योगा क्लासेस ज्वाइन की और वहां पे अपने फ्यूचर हस्बैंड भरत ठाकुर को वहीं मुलाकात की और
2007 में दे गॉट मैरिज। भूमिका चावला का बेटा है और वो कहती है कि कोई भी फिल्म वो ऐसी नहीं करेंगी जिससे कि उनका बेटा आगे जाकर कोई भी फिल्म उनकी देखे और वो शर्मसार हो या एम्बेरस्ड हो। फ्यूचर में भी कभी भी ऐसा कोई भी रोल एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो बहुत ही घरेलू, बहुत ही सिंपल वाली फिल्मों में इन्होंने काम किया है और बहुत सारे साउथ रीमेक्स में, इनफैक्ट एक तेलुगु रीमेक ऑफ अ फिल्म है जिससे उन्हें तेरे नाम मिली थी, और जो तेरे नाम थी वो भी एक साउथ इंडियन फिल्म सेठू का रीमेक थी। अब क्योंकि आज है अभिषेक बच्चन स्पेशल, तो भाई भूमिका चावला उनकी एक्ट्रेस के बारे में तो बता दिया, लेकिन रन के हीरो यानी अभिषेक बच्चन के बारे में थोड़ा और बताते हैं आपको। इन्होंने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट किया था, हाईएस्ट नंबर ऑफ पब्लिक अपीयरेंसेस, किसी भी फिल्म को प्रमोट करने के लिए सबसे ज्यादा अपीयरेंसेस करना इन्होंने सन 2009 में किया था अपनी फिल्म दिल्ली 6 को प्रमोट करने के लिए। अपनी बेटी आराध्या के जब इन्होंने कान छिदवाए थे तो साथ साथ उन्होंने खुद के भी कान छिदवा लिए और कहा कि नहीं, कि जो दर्द मेरी बेटी जिस दर्द से गुजरेगी कान छिदवाने में, वही दर्द मैं भी सफर करना चाहता हूं, इसलिए मैंने भी अपने कान छिदवा लिए। तो अभिषेक बच्चन ना सिर्फ एक एक सेंसिटिव एक्टर बल्कि एक बहुत ही प्यारे हस्बैंड और एक बहुत ही प्यारे डैडी। आप सुन रहे हैं चारू के साथ टेक इट इजी। जी जी जी, दिल्ली 6 ये वही फिल्म है जिसके लिए सबसे ज्यादा पब्लिक परफॉर्मेंसेस की थी और अपीयरेंसेस की थी अभिषेक ने किसी भी फिल्म को प्रमोट करने के लिए। यहां तक कि अपने आप में एक रिकॉर्ड बन गया कि किसी भी स्टार ने अपनी फिल्म को प्रमोट करने के लिए इतनी अपीयरेंसेस नहीं की। मसक कली सबकी जबान पर चढ़ तो गया, लेकिन इस मसक कली का मतलब क्या है? भाई मसक कली का कहीं कोई मतलब आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन जो फिल्म के डायरेक्टर्स होते हैं ना, उनकी अपनी अडेप्टेशन होती है। जैसे कि आपने देखा होगा कि कोई भी आर्ट एग्जीबिशन आप जाओगे, खासतौर से जब मॉडर्न आर्ट एग्जीबिशन होती है, कभी आप पेंटिंग्स देखोगे ना, आपको सर ना पैर कुछ समझ नहीं आएगा। कभी कभी आप देखते रहते हो कि मतलब बनाया क्या है ये डब्बे डब्बे, ये गोले गोले और बीच में रंग भर के, ये क्या है? लेकिन जब आप आर्टिस्ट से पूछोगे, आर्टिस्ट बोलेगा ये मैंने दिखाने की कोशिश की है एक छोटा सा बच्चा जो अपनी माँ की तलाश में निकला हुआ, और आप सोच रहे हो कहाँ है बच्चा, कहाँ है माँ। तो उसी तरह से कोई भी आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन ना, ज्यादा जो क्रिएटर है उसे ही पसंद आता है और उसे ही समझ में आता है। तो जब डायरेक्टर इस मूवी के डायरेक्टर राकेश ओम प्रकाश मेहरा से पूछा गया भाई ये मसक कली क्या है, भाई मसक कली एक सफेद कबूतर है, और एक प्योर वाइट सफेद कबूतर जो है वो इनोसेंस, पीस, जेंटलनेस, और वो उड़ना चाहता है, उड़ान भरना चाहता है। सो ये सारी चीजें जो है ये सब मसक कली है। वेल, मुझे नहीं पता कि डायरेक्टर का ये जो विजन था ये लोगों को समझ में आया कि नहीं आया, लेकिन डेफिनेटली मसक कली बोलने में और सुनने में बहुत अच्छा लगता है। मसक कली है ना, जबान पर चढ़ जाता है। मुझे ये फिल्म एकदम क्लियरली याद है, हालांकि मैं फिल्में देखकर भूल जाती हूँ और मुझे रिमाइंड कराना पड़ता है, अरे याद है ये वाली फिल्म जिसमें ऐसा हुआ था, अच्छा फिर उसके बाद ऐसा हुआ था, अच्छा एंडिंग ऐसी हुई थी, ओहो। तो मेरा ये हाल होता है, लेकिन ये फिल्म मुझे एकदम अच्छी तरह याद है, इसलिए क्योंकि ये काला बंदर की कहानी है जो कि दिल्ली में काफी मशहूर हुआ था, एक रियल किस्से ऐसे हुए थे। और दूसरी और ज्यादा इम्पोर्टेंट बात ये कि इस फिल्म को मैंने हॉल में बिल्कुल अकेले देखा था, मतलब मेरे साथ कोई दोस्त कोई नहीं था, बस मूड किया, बहुत बोर हो रही थी, टिकट खरीदी और जैसे ही हॉल में बैठी और पिक्चर शुरू हुई तो मुझे लगा ओ माय गॉड, ना आगे ना पीछे ना दाएं ना बाएं, कोई नहीं। तो मतलब खुल के जम के रोई थी, हंसी थी इस फिल्म में, जो भी इमोशंस है ना, मुझे किसी की फिक्र ही नहीं करनी पड़ी थी कि कोई देख रहा है या सुन रहा है। तो इसीलिए भी ये जो फिल्म है ये मुझे भूलेगी नहीं। कुछ अनफॉरगेटेबल फिल्में की हैं अभिषेक बच्चन ने, और आज उन्हीं के बारे में बात भी कर रही हूँ, उनकी फिल्मों के बारे में भी बात कर रही हूँ, और उन्हीं की फिल्मों के सारे गाने, जो कि पॉसिबल नहीं है बजाने, लेकिन अच्छे अच्छे वाले गाने चुन चुन कर आपके लिए लाई हूँ FM 107 के स्पेशल में, योर स्पेशली अभिषेक बच्चन। योर बेस्ट डे इज टुडे। हाँ जी, ये मैं भी कह रही हूँ और ये अनुपम खेर भी कह रहे हैं, योर बेस्ट डे इज टुडे उनकी जो लेटेस्ट बुक है ये लॉन्च हो चुकी है। अनुपम खेर कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ भी काम किया है, अभी तो 20 साल और काम करना है, मुझे लगता है कि मेरे अंदर 20 साल का एक्टर और काम करने वाला है। क्या बात है,
अपनी लेटेस्ट किताब योर बेस्ट डे इज टुडे वो लिख चुके हैं और इसमें लेसन्स हैं उनके सारे मेमोरेबल एक्सपीरियंसेस के, उनकी 35 साल की जर्नी जो एक्टिंग में है वो वहां से क्या क्या चीजें यू नो उन्होंने उठाई हैं, क्या क्या लेसन्स उन्होंने सीखे हैं और ऐसी बहुत सारी चीजें जो कि ना सिर्फ एक्टिंग या फिल्मी दुनिया में बल्कि कहीं भी आपको एक सक्सेसफुल यू नो बंदा या बंदी बना सकते हैं। राइटिंग जो है वो अनुपम खेर के लिए बहुत थेरेप्यूटिक है और वो कहते हैं कि वो बहुत अच्छा लगता है, उनको एंजॉय करते हैं लिखना। इस बुक के टाइटल योर बेस्ट डेज टुडे और उसके अंदर चैप्टर्स अगर आप देखेंगे, रीच आउट, चैलेंज द लॉ ऑफ लाइफ, डी क्लटर, ये सारी ऐसी चीजें हैं जिससे कि लगता है कि ये सेल्फ हेल्प बुक है और जिससे कि ऐसा लगता है कि पढ़ के बहुत सारे ऐसे दिमाग में जो क्लटर है वो बिल्कुल ही सॉर्ट आउट हो जाएगा, है ना। वैसे अनुपम खेर की नई बुक से याद आया कि ऐसी बहुत सारी चीजें जो आपके भी दिमाग को क्लटर कर सकती हैं और हो सकता है वो कोई ऐसा दिमागी सवाल हो जिसका आंसर आप ढूंढ रहे हो और हो सकता है बस कुछ ही देर में वो आंसर आपको मिल जाए। कुछ ही समय में आने वाले हैं हमारे माइंड एक्सपर्ट उमेश फेरवानी और वो देंगे आपके बहुत ही कुछ इंपॉर्टेंट सवालों का जवाब। अगर आप उनमें से हैं जो कि हर चीज कायदे से रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हर चीज कायदे से ना रखी जाए, पिन इधर से उधर हो जाए, ब्रश उधर से इधर हो जाए, या फिर अगर क्या कहते हैं सलवटे पड़ जाए कहीं पे, या किताब जहां से निकाली थी वहां वापस ना रखी जाए, या पेंटिंग हल्की सी टेढ़ी हो और आपको बहुत 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 अनकंफर्टेबल फील हो रहा हो सकता है ये OCD की निशानी हो। अगर आपको या किसी आपके अपने को ये है तो इससे कैसे डील किया जा सकता है, इसी के बारे में बात करेंगे आज। बाय द वे आज क्योंकि अभिषेक बच्चन स्पेशल है और ये भी बताती चलूं, अनुपम खेर की बात हुई है तो अनुपम खेर ने अभिषेक बच्चन को डायरेक्ट किया था, बताइए बताइए कौन सी मूवी, पर ऑफ कोर्स ओम जय जगदीश, जिसमें अभिषेक बने थे जगदीश, याद है, करेक्ट। सो इट्स बैक टू मोर सॉन्ग्स जो कि अभिषेक बच्चन की ही फिल्मों से होंगे। आप सुनते रहिए FM 107 पर चारू के साथ टेक इट इजी। तो वैसे FM 107 पे कहा, पूरे कतर में ही थर्सडे, पूरी दुनिया में ही थर्सडे, एक्चुअली नहीं कहीं कहीं हो सकता है वेंसडे नाइट भी हो, पर खैर जो मेरा मतलब था कहने का कि थर्सडे को हमारे साथ होते हैं हमारे माइंड एक्सपर्ट ऑथर और NLP एक्सपर्ट उमेश फेरवानी और इनके लिए आज हमारा जो पहला सवाल है वो OCD पर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू आवर शो वंस अगेन उमेश। थैंक यू सो मच। जो सवाल आपके लिए है वो ये है कि एक शख्स है जो अपनी बीवी की आदतों से बहुत परेशान है, हालांकि उनकी आदत घर में सफाई की है जो कि बहुत अच्छी चीज है, लेकिन वो कहते हैं कि छोटी छोटी चीजों में वो बहुत ज्यादा पर्टिकुलर है, इतनी ज्यादा पर्टिकुलर कि उन चीजों पे उनसे आर्ग्यूमेंट हो जाती है। जैसे कि चलो मोटी मोटी चीजें, अगर तौलिया गीला है तो बिस्तर पे नहीं रखना है जो कि आम तौर पर आदमी लोग करते हैं, तो ठीक है ये चीजें तो समझ में आती है, लेकिन उनकी बीवी जो है एक छोटी से छोटी चीज, अगर बिस्तर पे बैठ गए और अगर बेडशीट पर सलवटें पड़ गई और वो उठ गए और उन्होंने बिस्तर ठीक नहीं किया तो उस पर भी लड़ाई हो जाती है, या फिर कुछ अगर कबर्ड से निकाला और सही जगह पर नहीं रखा तो उस पर लड़ाई हो जाती है, अगर किताब किसी शेल्फ से निकाली और शेल्फ में वापस रखी लेकिन कायदे से वहीं पर नहीं रखी जहां से निकाली गई थी तो उन्हें झट पता लग जाता है। अब मुझे बताइए कि ऐसी सिचुएशन में इनको क्या करना चाहिए, क्योंकि इस वजह से घर में अननेसेसरी तनाव और टेंशन बढ़ता रहता है। चारू, जब तक किसी भी बीमारी या डिसऑर्डर के बारे में पूरी जानकारी नहीं होती है तब तक उस बिहेवियर पे फ्रस्ट्रेट होना जायज बात है। अब इसलिए OCD को पहले ठीक से समझना जरूरी है। OCD एक मानसिक बीमारी है जिसका फुल फॉर्म होता है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। इसमें किसी व्यक्ति को एक ही प्रकार के विचार बार बार आते हैं और वो उन विचारों पे बार बार एक कंपल्सिव एक्शन करता है। ये कॉमन मानसिक बीमारी है और लोग इसे ठीक तरह से समझ नहीं पाते हैं। ऑब्सेसिव विचार का मतलब है जैसे एक ही विचार या चित्र बार बार आपके मन में आए और आप जानते हैं कि ये विचार बेबुनियाद है लेकिन इसको आप रोक नहीं पाते। इसी वजह से एंग्जाइटी बिल्डअप होती है और उस एंग्जाइटी को कम करने के लिए एक कंपल्सिव एक्शन या रिपीटेटिव एक्शन जो है आप अपनाते हैं। अब ऑब्सेसिव थॉट्स कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कुछ लोगों के मन में आता है सफाई को लेकर विचार आते हैं कि मेरे हाथ साफ नहीं है या शरीर साफ नहीं है या फिर घर साफ नहीं है या फिर गैस का बर्नर बंद किया कि नहीं,
कि घर पे ताला ठीक से लगा के नहीं, ऐसे ऑब्सेसिव थॉट्स जो है रिपीटेटिवली आते हैं एंड दिस बिल्ड्स अप एन एंग्जायटी एंड विच फाइनली रिजल्ट्स इन अ कंपल्सिव बिहेवियर, जैसे बार बार हाथ धोना या ताला बार बार चेक करना, गैस बर्नर को वापस से चेक करना. अब कुछ समय के लिए ये एक्शन करने पे पेशेंट को रिलीफ महसूस होता है, पर क्योंकि ये रेपिटेटिव है ये साइकिल फिर से शुरू हो जाता है. अब ऐसे फैमिली मेंबर के साथ डील करना जिसको ओसीडी है, इट कैन बी अ लिटिल डिफिकल्ट, पर ये जानना बहुत जरूरी है कि ये उनके लिए भी डिफिकल्ट है और ये जो कंपल्सिव बिहेवियर वो कर रहे हैं इट्स नॉट इंटेंशनल, बल्कि एक डिसऑर्डर की वजह से ये वो कर रहे हैं. तो यहाँ जरूरी है पहले तो फैमिली मेंबर को रिलैक्स करना और उनको ये बताना कि आप उनके साथ हैं. गुस्सा तभी आता है जब कोई बिहेवियर इंटेंशनल हो. जब आप ये जान जाते हैं कि ये एक डिसऑर्डर है तो आपका सपोर्ट और ट्रीटमेंट इज द ओनली वे आउट. थैंक यू सो वेरी मच, इससे काफी कुछ क्लैरिटी मिली है. लेकिन इसी से कनेक्टेड एक और सवाल आपसे जरूर पूछूंगी, सो प्लीज स्टे विद अस, बने रहिए FM 107 पर, यही इसी शो में जिसका नाम है टेक इट इजी. ऐसे बहुत सारे ऑब्सेसिव थॉट्स जो हैं वो टेंशन पैदा कर सकते हैं, खासतौर से ऐसे घर में जहां दो तीन लोग साथ में रहते हैं और एक को ये बीमारी हो बहुत ही ज्यादा चीजें सफाई करने की या सही जगह पे रखने की. तो मुझे ये बताइए कि जिनको ओसीडी है उनके साथ जो लोग रहते हैं वो किस तरह से अंडरस्टैंडिंग ज्यादा हो सकते हैं, और जिनको खुद ये ओसीडी है वो किस तरह से इस चीज को ध्यान रख सकते हैं कि भाई इस वजह से किसी और से वो ना उलझे या ना लड़े या ना फ्रस्ट्रेट हो. चारू, जैसे मैंने बताया कि ओसीडी एक मानसिक बीमारी है जिसमें एक ही तरह के विचार बार बार किसी व्यक्ति को आते हैं, जिसकी वजह से एंग्जाइटी बिल्डअप होती है और उस एंग्जाइटी को कम करने के लिए वो कोई कंपल्सिव बिहेवियर में इंडल्ज करते हैं. अब ओसीडी से डील करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी पहले तो ये है कि एक्सेप्टेंस, कि ये एक डिसऑर्डर है. ये जान के आपको खुशी होगी, द गुड न्यूज इज दैट इट इज ट्रीटेबल. अगर ये अर्ली स्टेजेस में है तो एक 5-step प्रोसेस है जो मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ. इसमें फर्स्ट स्टेप होता है रीलेबल, जिसका मतलब कि जैसे ही आपको कोई ओसीडी थॉट आता है, जो कंपल्सिव थॉट आता है, तो इमीडिएटली आप उस थॉट के बाद एक नया थॉट ले आएं और अपने आप को ये बताएं कि ये एक ओसीडी का थॉट आया है, यानी कि आपने इस थॉट को रीलेबल कर दिया. सेकेंड स्टेप है रिमाइंड, अपने आप को रिमाइंड कराएं कि ये एक ख्याल है, सिर्फ फैक्ट नहीं है, डेंजरस नहीं है, सिर्फ एक थॉट है. थर्ड है रिबेल, जिसका मतलब है कि जो भी आप नॉर्मली एक्शन करते हैं उससे उल्टा एक्शन या ऑपोजिट एक्शन या कोई अनकनेक्टेड एक्शन आप करें रिस्पॉन्स में. चौथा है रिज्यूम, विच मीन्स कि जो काम आप इस ख्याल के आने से पहले कर रहे थे उसे वापस से रिज्यूम करें. और फाइनली रिवॉर्ड, जिसका मतलब है कि सक्सेसफुली कोई भी ओसीडी के थॉट को अगर आप अवॉइड कर सके हैं तो अपने आप को इस चीज पे एक्नॉलेज करें, अपने पीठ को थपथपाएं और अपने आप को रिवॉर्ड करें. अब ये दिस काइंड ऑफ ट्रीटमेंट इज पॉसिबल अगर ये इनिशियल स्टेजेस में है, लेकिन होता क्या है कि लोग काफी देर तक इसको रियलाइज नहीं करते और कई साल गुजर जाते हैं इस डिसऑर्डर के साथ. तो यहाँ पे इट इज इम्पॉर्टेंट या आई थिंक इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि किसी साइकेट्रिस्ट से कंसल्ट करें या किसी साइकोथेरेपिस्ट से कंसल्ट करें. दो वेज आउट हैं ट्रीटमेंट के. विद अ साइकेट्रिस्ट आपको ऑफकोर्स मेडिकेशंस दी जाएंगी, दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू. या अगर आप साइकोथेरेपी करना चाहते हैं तो किसी साइकोथेरेपिस्ट से कंसल्ट करें. साइकोथेरेपी में एक ट्रीटमेंट दी जाती है जिसे कहते हैं एक्सपोजर रिस्पॉन्स प्रिवेंशन. इसमें होता यह है कि पेशेंट को पहले तो ट्रिगरिंग सर्कमस्टेंस पे एक्सपोज किया जाता है, जैसे कि अगर उसको सफाई की आदत है या हाथ धोने की आदत है तो पहले तो उसको ऐसे एक चीज़ को हाथ लगाने के लिए बोला जाएगा जिसमें वो पॉसिबल ओसीडी का थॉट ट्रिगर हो सकता है. वो एक्सपोज करके फिर जो उसका रिस्पॉन्स है उसको ऑल्टर, कंट्रोल या डिले करने के लिए उन्हें हेल्प किया जाता है. ऑफ कोर्स प्रोफेशनल साइकोथेरेपिस्ट डज दिस वेरी प्रोफेशनली और इसमें काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स भी निकल के आए हैं और दिखे भी हैं. बट बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इसको पहले तो एज अ डिसऑर्डर एक्सेप्ट करें. अगर आपके किसी फैमिली मेम्बर को ऐसा हुआ है
और यू नो आपके किसी क्लोज रिलेटिव को ऐसा हुआ है, तो आई वुड सजेस्ट द बेस्ट वे इज टू सपोर्ट, और आप अपने जो लव्ड वन है उसको ट्रीटमेंट सीक करने के लिए कन्विंस करें. अमेजिंग, थैंक यू सो वेरी मच. एक बार फिर से आपका शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू, और आपसे मुलाकात होगी अगले थर्सडे को इसी शो में. थैंक यू सो मच चारू. FM 107 पर सुनते रहिए चारू के साथ टेक इट इजी. एंड यस, अभिषेक बच्चन स्पेशल है, इसलिए कुछ और अभिषेक बच्चन गाने कमिंग योर वे. सुना कभी अलविदा ना कहना का गाना, एंड इस फिल्म में अभिषेक बच्चन के साथ थी रानी मुखर्जी, या यू कह सकते हैं प्रीति जिंटा, क्योंकि शुरू में ऐसा लगता है कि रानी मुखर्जी है, लेकिन आखिर तक जाते जाते हो सकता है कि कपल्स जो है वो नहीं रहते जो थे. डेफिनेटली शाहरुख खान और प्रीति जिंटा साथ में थे, लेकिन एंड में शाहरुख खान और रानी मुखर्जी होते हैं साथ में. इन चारों में से तीन जो हैं, यानी रानी मुखर्जी, शाहरुख खान और प्रीति जिंटा, ये तीनों 2004 की वीर ज़ारा में भी साथ में आए थे. तो यूं कहा जा सकता है कि सारे लीड रोल्स वाले लोग एक्सेप्ट अभिषेक पहले फिल्म में काम कर चुके थे. आप अगर कहेंगे कभी अलविदा ना कहना, तो ओ हो ये तो ऊपर वाले की मर्जी है भाई, एक पत्ता भी जिसकी मर्जी के बगैर नहीं हिलता, तो मैं और आप क्या है. लेकिन ऐसा है जी कि अभी तो अलविदा कहना पड़ेगा, क्योंकि शो हो चुका है खत्म, और हो सकता है एक आध गाने की और गुंजाइश हो तो आपके लिए जरूर सुनाऊंगी, और वो भी बहुत ही अमेजिंग सा गाना. लेकिन फिलहाल इट्स टाइम फॉर मी टू से बाय बाय. आपसे मुलाकात होगी संडे मॉर्निंग को इसी शो में टेक इट इजी में. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, हाथों को सैनिटाइज करते रहिए, जब आप बाहर जाते हैं तो मास्क लगाए रखिए, और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए खुद का भी और अपने आसपास दूसरों का भी ख्याल रखिए. टेक केयर एंड टेक इट इजी.